तो ड्रामा सीरीज के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखा रहे हैं जिसका नाम पलाय है। पलाय आज बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसके मम्मी डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है आज और उसके लिए उसने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कराए हुए हैं। पलाय अपने मम्मी डैडी की इकलौती और लाडली बेटी है, इसीलिए वो भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पलाय उनसे करती है। और फिर इतने में उस पार्टी में एंट्री होती है हमारे मेन लीड की जिसका नाम सिवा है। सिवा उस टाइम पर जैन जैन के साथ आया हुआ था। जैन जैन एक्चुअली पलाय की कजन है, उसकी आंटी की बेटी। लेकिन सिवा को लगता था कि पलाय में ज्यादा इंटरेस्ट है जैन जैन से भी ज्यादा। यहाँ पर वो लोग एक इकट्ठे फोटो बनवाते हैं और इन्हें देख कर ऐसे लग रहा था कि जैसे सिवा और पलाय एक हेवन मेड कपल है। और ये सीन देखते ही जैन जैन बहुत जेलस हो जाती है। वेल, पार्टी ओवर होने के बाद पलाय अपने मॉम डैड को सी ऑफ कहती है। उन्होंने इकट्ठे कहीं ट्रिप पर जाना था, पलाय को थोड़ा बहुत काम था जो खत्म करके वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेगी। वेल, अब मम्मी डैडी चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पलाय भी अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो उनको फोन पर कॉन्टेक्ट भी करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद मम्मी डैडी दोनों की कार उलट गई थी और उसमें आग लग गई थी। पलाय जो उनके पीछे पीछे उसी रोड पर आ रही थी, थोड़ी देर बाद देखती है कि एक्सीडेंट की वजह से रोड बंद है। वो उतर कर नीचे जाकर चेक करने की कोशिश करती है और ये देखते ही उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है जब वो देखती है कि कहीं और नहीं बल्कि उसकी मम्मी डैडी की गाड़ी में ही आग लगी हुई है। सिवा भी पार्टी के बाद उसी रोड से ही अपने घर की तरफ जा रहा था। वो यहाँ पर और बहुत मुश्किल से उसे संभालता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है एक लॉयर जो कि यही कहने लगता है कि मरने वालों की यही एक बेटी है और इससे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है। और यही वो टाइम था जब बेचारी पलाय को कन्फर्म होता है कि उसके मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पलाय बहुत अकेली पड़ गई थी और यहाँ पर अगर कोई उसका साथ दे रहा था तो वो पैन थी जो कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। ऑफिस के साथ साथ वो घर पर भी उसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी, उसकी हर चीज को वही मैनेज करती थी। आज भी वो उसके साथ थी। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं पलाय की आंटी राशि को। राशिका आंटी और उनकी बेटी जैन जैन, उनको देखकर लग रहा था कि उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है उसके मम्मी डैडी के इस दुनिया से चले जाने का। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए उनके फ्यूनरल पर सबसे करीबी बनकर पहुंचे हुए थे। जबकि उसी टाइम पर हमें सिवा को दिखाते हैं जो कि फ्यूनरल से होने के बाद अपने कपड़े चेंज करता है, खुद को ड्रेसअप करता है एक प्रेजेंटेशन के लिए। उसने मीडिया के सामने आकर अपनी कंपनी की आज एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना था। यहाँ पर सिवा के मम्मी और डैडी दोनों ही खड़े हुए थे और मम्मी डैडी को देख कर लग रहा था कि उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यहीं पर ही हमें पता चलता है कि वो दोनों सेपरेटेड हैं और मम्मी ने ही सिवा को पाला है, लेकिन डैड को भी सिवा को अपना बेटा होने पर बहुत गर्व था। और जहाँ तक सिवा की बात है, वो तो अपने मम्मी और डैडी दोनों को ही इक्वली प्यार करता था, लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि वो ज्यादातर डैड की कंपनी में रहे। जबकि उधर बेचारी पलाय, उसको अपने मम्मी डैडी के फाइनल रिचुअल सब कुछ खुद ही अकेले परफॉर्म करने थे क्योंकि उसका कोई और बहन भाई इस दुनिया में नहीं था। अब अपने मम्मी डैडी की अस्थियां बहाने के बाद जब वो वापस आती है तो वहाँ पर उसे अपनी एक आंटी मिलती है। ये आंटी लगता था कि उसके बहुत क्लोज है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि आंटी का बेटा है जिसका नाम है थाना। थाना और उसके डैड दोनों एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते थे कि किस तरह से पलाय के मम्मी डैडी की डेथ हुई है, और इसी मौका पर कोई आता है और उनको धमकाने की डराने की कोशिश करता है। थाना की मम्मी भी पलाय को बता रही थी कि वो दोनों बहुत डरे हुए हैं, स्पेशली डैड, उनको तो लगता था कि उनकी जान को खतरा है। अब यहाँ पर थाना भी थोड़ी देर बाद आता है और पलाय से उसके डैड के लॉस और पलाय से उसके डैड के लॉस पर अफसोस करता है और उसके बाद वो अपने डैड से कहता है कि अब आपने एहतियात करनी है क्योंकि जो कोई भी है उसने आप पर गन पॉइंट की थी, इसका मतलब है वो आपकी जान लेना चाहते हैं। जबकि उधर पलाय सारे काम खत्म करने के बाद अब अपने मम्मी डैडी वाले ऑफिस में पहुंचती है और यहाँ पर उसकी आंटी राशिका और जैन जैन जान बूझ कर उसके पहुंचने से पहले वहां पर नाटक स्टार्ट कर देती है। ऐसे कह रही थी आंटी राशिका कि जैसे वो पलाय से बहुत प्यार करती है और बोलने लगती है कि जितने भी कर्जे का पैसा है पलाय के डैड पर वो मैं चुकाने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, मेरा उनसे रिश्ता था, चाहे मुझे कितना ही लॉस क्यों ना हो मैं वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब इसकी वजह से पलाय का तो दिल मेल्ट हो जाता है, उसे लगता है कि आंटी राशिका बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन बैंग उसे तो राशिका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो यहाँ पर पलाय को समझाने की कोशिश करती है कि आप आंखें बंद करके इन पर विश्वास ना करें, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सीधी है।
और फिर फाइनली पालाय जब संभल जाती है तो आज उसकी मीटिंग थी एक लॉयर से, उस लॉयर नहीं उसके डैड की और उसके मॉम की सारी प्रॉपर्टी के बारे में उसको ब्रीफ करना था। पर जब पालाई ये सुनती है तो उसे लगता है कि उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई है। उसके डैड ने अपने 70% शेयर आंटी रासिका के नाम कर दिए थे, और तो और जिस घर में इस वक्त पालाई रहती थी वो भी आंटी रासिका के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। ये सारा कुछ सुनकर पालाई बहुत परेशान हो जाती है। उसने आज से पहले बिजनेस में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, सब कुछ उसके मॉम डैडी देखते थे। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके मम्मी डैडी पर बहुत सारा कर्जा है। एक्चुअली उसके डैड को जुए की लत पड़ चुकी थी, सब यही कहते थे, और इसी वजह से अब सारा कर्जा भी उसी को ही पे करना होगा। अब पालाई इतने बड़े शौक के बाद जब घर पहुंचती है तो आंटी रासिका तो उसके साथ बहुत अच्छा बनती है, लेकिन जैन जैन एक्टिंग करने लगती है। यहाँ पर वो दोनों माँ बेटी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही थी। जैन जैन यही कहती थी कि हम तुम्हारे डैड के कर्जे क्यों पे करें, जबकि आंटी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर पालाई कहती है कि अगर मेरे डैड ने ऐसा कुछ किया है तो उनका जो भी कर्जा वो मैं पे करूंगी, क्योंकि मैं ही उनकी सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। सीईओ जो कि पालाई को बनना चाहिए था आज उसकी आंटी रासिका बनकर बैठी हुई थी। और उसके बाद दूसरी बड़ी सीट मिल गई थी जैन जैन को, और जैन जैन के बाद बेचारी पालाई सबसे नीचे ही रह गई थी। और उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट थी उसको तो बहुत ही ज्यादा डीमोट कर दिया गया था, लेकिन पालाई ये सारा कुछ किस्मत का खेल समझकर कबूल कर लेती है। अब इसके बाद जब पालाई घर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक मेड उसकी मम्मी के कपड़े पहन कर फिर रही है। एक्चुअली आंटी रासिका ने घर के सर्वेंट्स को भी तब्दील कर दिया था, और जो सबसे लॉयल सर्वेंट्स थे उनको निकाल कर वहाँ पर वो अपनी मर्जी के लोग सेटल कर रही थी। लेकिन पालाई को जब गुस्सा आता है कि कोई उसकी मम्मी के कपड़े कैसे पहन सकता है, तो आंटी रासिका आती है और उन मेड्स को दो दो थप्पड़ लगाती है, और ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो पालाई से और उसकी मम्मी डैडी से बहुत प्यार करती है। और फिर इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं, पास्ट में हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली आंटी रासिका एक मिस्ट्रेस की बेटी है, जिसको कभी भी उसके डैड ने स्वीकार किया ही नहीं था। लेकिन बहुत बड़ी हो जाने के बाद जब मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी तो उसके बाद वो अपने सिस्टर के पीछे पीछे आ गई थी और उसे दया की अपील करने लगी थी। रासिका की मॉम को भी उन पर रहम आ गया था, क्योंकि उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी जैन जैन भी थी और वो बेचारी बहुत भूखी थी। वो उसे अपने घर में जगह दे देती है ये सोचकर कि चाहे जो भी हो ये उनकी हाफ सिस्टर तो बनती ही है। और फिर इसी तरह से दिन बीतते चले गए। जैन जैन के अपने डैड तो इस दुनिया में थे नहीं, तो वो वहीं भरी रहने लगी थी। वो तो पालाई के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन हमेशा से जैन जैन की मम्मी ने उसके माइंड में यही बिठा दिया था कि पालाई तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, इसलिए तुमने इससे फासला रखना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में जगह बनाने के बाद वो उनके ऑफिस में भी एंटर होती चली गई और उनके बिजनेस में भी फाइनली अपना होल्ड जमा लिया था। अब वो काफी फेमस हो चुकी थी अपने सर्कल में, और यहाँ पर आंटी रासिका ने एक और भी प्लान सोचा था अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि उनकी मुलाकात हुई थी सेवा की मम्मी से, और उन्होंने ही जैन को उससे इंट्रोड्यूस कराया था, और दोनों मम्मीज ने फैसला किया था कि सेवा की और जैन की एक मुलाकात कराते हैं ब्लाइंड डेट। पालाए तो हमेशा से जैन जैन को अपनी कजन सिस्टर मानती थी, वो उसे बहुत छेड़ती है और कहती है कि अब तुम टेकन हो चुकी हो, इसलिए सिवा के साथ जब तुम पहली डेट पर जाओगी तो तुम ये कपड़े पहन कर जाना, देखना वो अपना दिल तुम्हें पहली दफा में दे बैठेगा। जैन जैन अगर कभी भी पालाए के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचती तो उसकी मम्मी सारा कुछ मिट्टी में मिला देती थी। वो आगे से कहने लगती है कि तुम उसके दिए हुए कपड़े नहीं पहन सकती, वो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगी, वो हमारे सगे नहीं है और उनसे हमेशा फासला रखो। उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है और कहती है आंधा पालाई से कोई चीज नहीं लेनी। वेल, अब सिवा पहुंच जाता है जैन के घर पर उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जैन आती उससे पहले ही पालाई सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी, और यहाँ पर वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लगता है कि सिवा को यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसे देखते ही लगा था कि ये जैन जैन है, वो उसे जैन कहने लगता है और बोलता है कि लगता है मैंने कभी पहले भी आपको देखा है। और आगे से पालाई भी स्माइल करके कहती है कि ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी, मैं इन बातों में नहीं आने वाली, इसलिए आप अपने फेस से नजरें हटाएं और एक बात बताऊं, मैं जैन नहीं हूँ, मैं उसकी सिस्टर पालाई हूँ। अब इतने में ऊपर से जैन जैन भी पहुंच जाती है। जब उनको इस तरह से इकट्ठे बातें करते देखती है तो वो जल भुन के बिल्कुल कोयला बन चुकी थी। उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे सिवा उसकी नजरें पालाई पर जरा और तरह की पड़ रही हैं, और उसे ये भी डर था कि पालाई मुझसे कहीं सिवा को ना छीन ले।
लेकिन पालाए तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो जाते हुए जैन को कहती है कि प्लीज एहतियात से जाना, ये लड़का पहली दफा में तो मुझे थोड़ा प्लेयर टाइप का लग रहा है, मेरी बहन को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। और फिर उसके बाद ही हमें पता चलता है कि आंटी रासिका ने घर के सर्वेंट्स को अपने साथ मिलाया हुआ था, और यहाँ पर एक ड्राइवर सर्वेंट था जो कि कुछ सस्पिशियस कर रहा होता है गाड़ी के साथ, और ये वही गाड़ी थी जो कि हम पहले भी देख चुके थे कि एनिवर्सरी वाले दिन पालाए की मम्मी डैडी ड्राइव कर रहे थे। शायद आंटी रासिका ने ही इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ कराई हो। और फिर उसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट में ले आते हैं। हमें दिखाते हैं कि एक दिन शिवा सुबह सुबह उठता है, बहुत अच्छे से रेडी होता है, अपनी मम्मी को बता रहा था कि आज मैं जैन जैन के घर जा रहा हूँ, लेकिन मम्मी उससे कहने लगती कि मैं हर तरह से अवेयर हूँ, मेरी आंखें कान खुले हैं। सुना जा रहा है कि तुम पालाए से बहुत हमदर्दी रखते हो, लेकिन एक बात जान लो, बेशक वो दोनों लड़कियां एक घर से हो, पालाए के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है, उसके डैड सारा कुछ खो चुके थे, इसलिए तुमने पालाए के करीब नहीं जाना, बल्कि अगर तुम्हारा रिश्ता किसी से हो सकता तो वो सिर्फ जान जाएगा जिसके पास इस वक्त फ्यूचर है, सारा बिजनेस है। जबकि उधर बिचारी पालाए को ऑफिस में एक और बात भी पता चलती है, और वो ये थी कि वो जिस पोस्ट पर काम कर रही है उसकी सैलरी भी कम कर दी गई है, और इस सैलरी में वो बिचारी कैसे गुजारा करेगी, वो तो हमेशा से बहुत ज्यादा पैसे में खेलती रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और अपनी असिस्टेंट पैंग को कहती है कि मुझे काम करना सिखाओ, मुझे उम्मीद है मैं जल्दी सारा कुछ सीख जाऊंगी। आज ऑफिस के बाद वो जाती है थाना के घर पर और उनसे कुछ बातें कर रही थी। यहाँ पर ही थाना को पता चलता है कि उसके डैड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं वो कहाँ मिसिंग हो चुके हैं। और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि थाना के डैड को किसी ने पकड़ा हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि शिवा के डैड है। शिवा के डैड कुछ क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज रखते थे, उनके अपने गुंडे भी थे, और यहाँ पर एक बिजनेस डील को लेकर उनके बीच किसी बात पर लड़ाई थी, जिसकी वजह से वो थाना के डैड को निशाना बना रहे थे। वेल, अब थाना पालाई को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, और यहीं पर ही शिवा भी आया हुआ था, और थाना और शिवा का आमना सामना हो जाता है। अब वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे। थाना को यही लगता था कि शिवा जैन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली वो दोनों सिर्फ ब्लाइंड डेट पर तो गए थे, लेकिन अभी तक शिवा ने जैन जैन को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। अब थाना तो वहाँ से चला जाता है, जबकि जैन जैन घर बस आने ही वाली थी। पालाई शिवा को कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर उसका वेट करो, मैं जा रही हूँ, थाना अपना फोन भूल गया, ड्राइवर को कहती हूँ वो दे आता है। लेकिन यहाँ पर शिवा उसके पीछे पीछे आता है और उसे दिन को याद करने लगता है जब उसके मम्मी डैडी की डेथ हुई थी, एक्सीडेंट वाला दिन। उस दिन शिवा ने भी वो मंजर अपनी आंखों से देखा था, और पालाई जिस तरह से शॉक में गई थी, वो हमेशा से परेशान दिखाई देती थी, वो उसे तसल्ली देने लगता है। यहाँ पर पालाई को चक्कर भी आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने भी लगती है, और उसी टाइम पर जब शिवा उसे संभाल रहा था तो ऊपर से थाना और जैन जैन भी पहुंच जाते हैं, और वो दोनों ऑफ कोर्स कोई गलत मतलब ले लेते हैं। शिवा उनको क्लियर तो करता है कि पालाई गिरने वाली थी, मैं सिर्फ उसे सपोर्ट दे रहा था, और उसके बाद वो सारे अलग हो जाते हैं और बात यहीं पर खत्म हो गई थी। लेकिन जैन जैन ने ये बात दिल में रख ली थी। जैन जैन फिर अपनी मम्मी के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि पालाई अब इस घर में रहे, ये घर हमारे नाम है, उसे निकाल के बाहर फेंके यहाँ से, क्योंकि वो मुझसे शिवा को छीनने की कोशिश कर रही है। उसकी मम्मी कहती है कि अभी भी कुछ शेयर्स हैं जो उसके नाम पर है, वो भी हमने उसके हाथ से हथियाने हैं, हमें उसकी जरूरत है, अभी उसे बाहर नहीं फेंक सकते, एक लड़के के पीछे सारा खेल बर्बाद मत करो। लेकिन जैन जैन बहुत गुस्से में थी। उधर पालाई को दिखाते हैं, घर के सर्वेंट्स भी आजकल उसकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उसे छोटी मोटी बातें लगाते रहते थे, और ये सारा कुछ आंटी रासिका और जैन जैन ही करा रही थी। और तो और, आज यहाँ पर जैन जैन पहुंच जाती है, जो कि पालाई से लड़ने लगती है, कहती है मेरे घर से निकल जाओ, उसे एक थप्पड़ भी दे मारती है और बोलती है कि तुम मुझसे शिवा को छीनने की कोशिश कर रही हो। लड़ाई की आवाज सुनकर आंटी रासिका आ जाती है और अपनी जैन जैन को मारने लगती है। अब जैन जैन उसको देखकर लग रहा था कि उस पर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, रोती है और बेहोश हो जाती है। अब सब लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ एक साइकोलॉजिकल इशू है। एक्चुअली उसकी मम्मी ने बचपन से उसे इतना प्रेशर दिया था कि उसके साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होने लगे थे। दूसरी तरफ हमें शिवा को दिखाते हैं, उसका एक असिस्टेंट था और ये असिस्टेंट से ज्यादा उसका फ्रेंड भी लगता था। आज शिवा उससे शेयर करता है और कहता है कि सब समझते हैं कि जैन मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना। लेकिन एक बात है, मैंने देखा है कि जैन जैन जब भी पालाए को देखती है तो उनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। वैसे तो वो कजन सिस्टर्स है, लेकिन दुनिया के सामने असल में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिवा के डैड ने थाना के डैड को मार दिया है, और अब वो सपने में आके एक आत्मा बन के उसे डरा रहे होते हैं।
जबकि थाना को पता ही नहीं होता, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। और यहाँ पर थाना और उसकी मम्मी से मिलने के लिए एक दफा पालाई भी आती है। वो आई तो थी उसके डैड के बारे में पता करने के लिए, लेकिन बेचारी को अपनी बहुत टेंशन थी। जब वो उन दोनों को मसरूफ देखती है तो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। अब वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस अपने घर की तरफ जा रही थी कि यहीं पर ही रास्ते में एक रोड सिग्नल पर उसे वही लॉयर अंकल दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे सारी विल पढ़कर सुनाई थी। वो लॉयर अंकल पहले तो काफी गरीब हुआ करते थे, लेकिन अब इतनी महंगी गाड़ी में उनको देखकर वो बहुत सस्पिशियस हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। और तो वो एक बहुत बड़ी जगह पर रहते थे और यहाँ पर जिस तरह से पलाय उनको रंगे हाथों पकड़ती है, वो काफी शर्मिंदा होते हैं। वो उनसे पूछने लगती है कि आप तो इतने गरीब हुआ करते थे, अब मेरे डैड से भी महंगी गाड़ी कैसे चला रहे हैं, कैसे एक महंगा एरिया अफोर्ड कर रहे हैं। वो लॉयर तो कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर पालाई को जरूर शक हो चुका था कि कुछ तो सस्पिशियस है उसकी मम्मी डैडी की डेथ के साथ और उनकी विल के साथ भी। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।